नमस्कार, आज हम जानेंगे आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी के बारे में। आरओपी आंखों की एक ऐसी बीमारी है जो उन नवजात शिशुओं में होती है जिनका जन्म गर्भकाल में 34 हफ्तों से पहले होता है या जिनका वजन 2 किलो से कम होता है। ऐसे शिशु प्रीमैच्योर कहलाते हैं। दुनिया भर में आरओपी शिशुओं में अंधेपन का सबसे प्रमुख कारण है। दुर्भाग्यवश दुनिया के लगभग 1/4 प्रीमैच्योर शिशु एक साल में हमारे भारतवर्ष में होते हैं। हर साल तकरीबन 5 लाख प्रीमैच्योर शिशु भारत में जन्म लेते हैं। हिंदुस्तान में आरओपी के बढ़ते केस के कारण है प्रीमैच्योरिटी का बढ़ता स्तर, बेहतर पीडियाट्रिक सुविधाओं के चलते प्रीमैच्योर शिशुओं के मृत्यु दर में गिरावट आना, अप्रतिबंधित मात्रा में शिशु को ऑक्सीजन देना और डॉक्टर और माता पिता में जागरूकता की कमी होना। माँ के पेट में शिशु की रेटिना का विकास करीब 16वें हफ्ते पर शुरू होता है। खून की धमनियाँ पर्दे के बीच से विकसित होना शुरू होती हैं और लगभग 38 से 40वें हफ्ते तक इनका विकास पूरा हो जाता है, लेकिन प्रीमैच्योर शिशुओं में यह विकास बीच में ही रुक जाता है। पर्दे के जिन हिस्सों में खून की कमी होती है वहाँ आरओपी की बीमारी शुरू हो जाती है। यह बीमारी जैसे जैसे पनपती है पर्दा अपनी जगह से उखड़ने लगता है और एक वक्त आता है जब पर्दा पूरी तरह से उखड़ जाता है और शिशु की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। आरओपी एक ऐसी बीमारी है जिसकी सही वक्त पर जांच करके इसे रोका जा सकता है। यदि आपका शिशु 34 हफ्ते या फिर उससे पहले पैदा हुआ है या उसका जन्म पर वजन 2 किलो या उससे कम है तो उसे आरओपी होने का खतरा है। ऐसे शिशुओं की आरओपी स्क्रीनिंग जन्म के बाद पहले 30 दिनों में होनी अनिवार्य है, इसीलिए इसे 30 दिन रोशनी के का नारा दिया गया है। स्क्रीनिंग करने के बाद आरओपी विशेषज्ञ यह बताते हैं कि शिशु को बीमारी है या नहीं। अगर बीमारी है तो इसका इलाज लेजर या इंजेक्शन द्वारा किया जाता है। सही वक्त पर इलाज शिशु की रोशनी को सुरक्षित रखता है, इसलिए अपने प्रीमैच्योर शिशु की आरओपी स्क्रीनिंग समय से जरूर कराएं और अपने शिशु की आंखों की रोशनी की रक्षा करें। आरओपी से संबंधित सारी सुविधाएं डॉक्टर क्षितिज रायजादा द्वारा डॉक्टर रायजादा आई सेंटर पर किफायती दरों में उपलब्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आरओपी की जागरूकता को बढ़ाएं और समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं कि आपका सहयोग आरओपी के खिलाफ इस जंग को जीतने में हमें मदद करेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। I spy.